वो आपसे पूछेंगे कि रूट टू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। तो रूट टू के लिए मैंने क्या करा, 1 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ ड्रॉ कर ली और यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पर 1 सेंटीमीटर की लाइन और ड्रॉ कर ली। अब क्या होगा, आप ये देखो कि ये राइट ट्राइंगल बन गया, तो राइट ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ कि ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए क्या है, वन वन का स्क्वायर प्लस ए बी इज अगेन वन वन का स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू, तो ओ बी क्या हो गया, अंडर रूट टू। तो ये जो ओ बी की लेंथ आई है ना, ये आ गई अंडर रूट टू। अब सारी बात ये है कि अंडर रूट टू जो है वो तो इस तरह से है ना, मुझे तो रूट टू को यहाँ नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो आप कंपास लेंगे, कंपास का पॉइंट यहाँ पर रखेंगे, पेंसिल का टिप यहाँ रखेंगे और ऐसे 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 एक आर्क लगा देंगे। ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये आ गया अंडर रूट टू। बताइए, इतना समझ में आ गया? ठीक है। यस सर हाँ, अब इसी चीज को दिमाग में रखते हुए हमसे ये पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, बल्कि काफी एग्जाम से पूछा जाता एक्सक्यूज है। मी सर हाँ जी, बोलिए बोलो। सर हम कंपास की लेंथ ए भी ले सकते हैं, कंपास ए बी लेंथ किसकी? कंपास की की लेंथ ए बी नहीं ले सकते। अगर आप ए बी लोगे तो वो 1 सेंटीमीटर हो गया, मुझे तो रूट टू सेंटीमीटर चाहिए ना। तो ये रूट टू आ गया यहाँ पर, तो मुझे ये लेना है फिर ओ बी। ठीक है, ओके सर। सर नहीं, वो जब आपने 9.1 अंडर रूट नंबर 9 पे करवाया था तो सर आपने वो जो परपेंडिकुलर उस पे था सर, आपने उसका लेंथ ली थी। बिल्कुल उसी का लिया था। अंडर रूट 9.3 जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से करा जाता है। जब अंडर रूट के अंदर पॉइंट वाले नंबर होते हैं ना, तो उसको उसी तरह से करा जाता है जैसे आप समझ रहे हो। बाकी मैं बताऊंगा अभी वो भी कैसे करना है। ठीक है, ओके सर, अब जरा देखिएगा कि ये वाला जो पॉइंट है ये रूट टू आ गया। अब मेरे से ये पूछा जाए कि रिप्रेजेंट अंडर रूट थ्री ऑन द नंबर लाइन। अब आप रूट थ्री को, आप रूट थ्री को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, तो रूट थ्री को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? इसके लिए फिर वही होगा कि जैसे आप देखो यहाँ पर रूट टू है, ये वाली लेंथ यहाँ से ओ से लेकर और यहाँ तक जो लेंथ है ये रूट टू है। अब आप क्या करिए, आप बेटा यहाँ पर रूट टू पर आप 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे। इस पॉइंट को बोल दीजिए, जैसे ये वाला पॉइंट को मैंने बी बोला था, इस पॉइंट को बोल दीजिए सी। और ये कितने का ड्रॉ करा आपने, 1 सेंटीमीटर का। 1 सेंटीमीटर की ये लाइन ड्रॉ कर ली, कैसे करी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करी। तो रूट टू मेरे पास है और ये वन ड्रॉ कर दिया। तो अब आप ओ को सी से ज्वाइन करिए ऐसे। ओ को मैंने सी से ज्वाइन कर दिया, तो फिर वही चीज है कि पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं फिर से देखूं तो क्या हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो लेंथ है इसको अगर मैं डी बोल दूं, इस पॉइंट को अगर डी बोल दिया जाए, तो ओडी स्क्वायर, ओडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी कितना है, रूट टू, रूट टू का स्क्वायर, और डी सी कितना है, वन। रूट टू का स्क्वायर तो टू हो गया और वन का स्क्वायर हो गया वन, तो ओ सी स्क्वायर कितना हो गया, थ्री। तो इसका मतलब ओ सी कितना हो जाएगा, रूट थ्री। तो ये ओ सी जो है ये हमारे पास अब कितना आ गया बेटा, रूट थ्री। तो अब आप कंपास का नीडल यहाँ रखो ऊपर और पेंसिल का पॉइंट जो है वो यहाँ पर रखो और आप ऐसे एक आर्क लगा लो। तो ये वाला जो पॉइंट आया है ये आ गया रूट थ्री। अंडर रूट टू और अंडर रूट थ्री समझ में आ गया सभी को? यस सर, यस यस सर। सर, ओके बेटा, अवनी टिया बताइए, दोनों को क्लियर है? यस सर, यस सर। हाँ जी। अन्या, एक्सक्यूज मी सर,
हाँ जी बताओ। सर हमें √3 फाइंड करने के लिए पहले √2 निकालना पड़ेगा, हाँ, रूट थ्री फाइंड करने के लिए रूट टू पहले निकालना ही पड़ेगा और सर √5 के लिए भी। ना। रूट फाइव का अभी मैं बता रहा हूँ आपको। रूट टू और रूट थ्री इस तरह से बनेगा। अब मैं आ जाता हूँ रूट फाइव पर। रूट फाइव कॉमा रूट सिक्स कॉमा रूट सेवन। रूट एट तो पूछा ही नहीं जाता वैसे, बस यहां तक पूछा जाता और ज्यादा नहीं। होगा नंबर लाइन, ठीक है। अब देखिएगा, ये नंबर लाइन हो गई। यहां पर सबसे पहले सबसे छोटा वाला पकड़ते हैं, तो सबसे पहले रूट फाइव को देखेंगे। तो ये हो गया जीरो। अब आप बेटा यहां पर लेंथ ले लो 2 सेंटीमीटर। यहां पर लेंथ ले लीजिए 2 सेंटीमीटर। इसको बोल दो ए, और यहां पर फिर 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे, 1 सेंटीमीटर की, ठीक है। इस पॉइंट को बोल दीजिए बी, और ओ से बी को ज्वाइन कर दो। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। ओ बी स्क्वायर ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए कितना है 2, और ए बी कितना है 1। तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 1 का स्क्वायर हो गया 1। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो ओ बी कितना हो गया √5। तो यहां से हमारी ओ बी की वैल्यू आ गई बेटा √5। और अब क्या करो, कंपास का नीडल यहाँ रखो और पेंसिल की टिप यहां पर रखो एडजस्ट करके उसको, और ऐसे 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 एक आर्क लगा दो। तो ये वाला जो पॉइंट आ गया, ये आ गया √5। अब आप समझ चुके होंगे कि जब √5 आ गया तो √6 बनाना कितना आसान है। जैसे √2 पर 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, और फिर इसको ज्वाइन करके मैंने √3 बना लिया। ऐसे √5 सेंटीमीटर पर 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, यहां पर 1 सेंटीमीटर की लाइन हो गई ड्रॉ। अब ये वाली पूरी लेंथ कितनी हो गई, √5 का स्क्वायर 5, और ये 1 1 का स्क्वायर 1, 5 प्लस 1 6, और 6 का √√6। तो ये वाली जो लेंथ आ गई बेटा, ये कितनी आ गई मेरे पास, √6। इस पॉइंट को सी बोल दो, और OC रेडियस लेकर, मतलब कंपास का नीडल यहां पर और पेंसिल की टिप यहां पर, और आप एक आर्क लगाओ। तो ये मेरे पास आ गया √6। अब यहां पर 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करो 90 डिग्री पर। इस पॉइंट को बोल दो डी, ओ से डी को ज्वाइन करो, कंपास का नीडल यहां, पेंसिल की टिप यहां, और ऐसे मार्क करिए। तो ये क्या बन गया, √7। ये लेंथ आपकी √7 थी। बताइए सबको समझ में आ गया। यस सर। यस सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताइए। सर मेरे को ये समझ नहीं आया कि आपने ओ ए की लेंथ और आपने ए बी की लेंथ कैसे, ओ बी की लेंथ, ए ओ ए और ए बी की लेंथ कैसे निकाली। दोबारा पूछो एक बार, किसकी लेंथ, सर ओ ए एंड ए बी। ओ ए की लेंथ जो है और ए बी की लेंथ, ये निकाली नहीं है। ये हमने क्या करा कि स्केल रखकर ड्रॉ करा है, 2 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। ओके सर, तो हम ये चेंज कर सकते हैं कभी भी, तो हाँ, मतलब इनको हम चेंज कर सकते हैं। हमने ना अपने दिमाग से ये सोचा कि भाई 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5,
और 5 का रूट ही तो मेरे को निकालना है, तो इस वजह से मैंने जानबूझकर सोचा कि 2 ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 + 1 = 5, और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये पाइथागोरस थ्योरम लगाइए यहाँ पर। ओके सर। पक्का क्लियर है ना? यस सर। अब नहीं बताओ, क्लियर है? यस सर। बाकी बच्चे बताएं, देवांश? यस सर, क्लियर है। यस सर। ठीक है, लावण्य? यस सर। क्लियर है? चलिए जी, तो एक तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें रिपीटिंग नंबर्स आते हैं, और उन रिपीटिंग नंबर्स वाले को हमको बोला जाता है कि आप उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करके लिखें। तो देखिए जरा, नंबर सिस्टम में ही पेज नंबर 11 पर एग्जाम्पल नंबर 8 है और पेज नंबर 9 पर एग्जाम्पल नंबर 9 है। अभी बताता हूं, पेज नंबर 11 नंबर सिस्टम में, मैं एनसीईआरटी से करा रहा हूँ बेटा रिवीजन, तो पेज नंबर 11 कभी आप आरडी में ढूंढो, मैं एनसीईआरटी का पेज नंबर 11 बोल रहा हूँ। तो पेज नंबर 11 इसमें पहले एग्जांपल नंबर 7 देखो, शो दैट 0.3333 is equal to 0.3 bar can be expressed in the form p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0. ठीक है, तो let x is equal to 0.3333 ऐसे दे रखा है। मुझे ये देखना है कि कितने नंबर्स हैं ऐसे जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, और जो रिपीट होने वाला नंबर है ना वो पॉइंट के डेसिमल के जस्ट बाद आना चाहिए। दोबारा बताता हूं, एक तो मुझे ये देखना है कि कितने नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हैं, पहली चीज, और दूसरा ये देखना होता है कि जो नंबर है वो डेसिमल के जस्ट बाद स्टार्ट हो जाना चाहिए, रिपीटिंग नंबर। ठीक है, तो आप ये देखिए, रिपीटिंग नंबर क्या है, 3333333 बार बार आ रहा है, तो ये डेसिमल के जस्ट बाद आ गया। कितने नंबर हैं, कितनी डिजिट हैं जो रिपीट हो रही है, केवल एक डिजिट, वो डिजिट क्या है, 3। तो जब एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, तो दोनों तरफ आप इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, और दोनों तरफ आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 10x is equal to 10 into 0.3333 like this। जब 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं ना किसी भी ऐसे नंबर में, तो 10 में कितने जीरो आ रहे हैं, एक जीरो, तो ये जो पॉइंट है ये एक प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा। अगर 10 से डिवाइड करता तो वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो 10x is equal to 3.3333 like this, equation number 2 हो गई। ऐसे में क्या करा जाता है कि जो ये equation number 2 है, equation number 2 से आप equation number 1 को subtract कर दीजिए, तो 10x minus x क्या हो जाएगा, 9x। लिखो, subtracting equation 1 from equation 2, to 10x minus x minus 0.3333, तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट तो सेम है, तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट जब इसके पॉइंट के बाद वाले डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेगी तो वो तो जीरो हो जाएगा,
3.33333 माइनस 0.3333 क्या आ जाएगा, 3.3333 लाइक दिस माइनस 0.3333 लाइक दिस, तो 3 आ जाएगा सिर्फ, तो 10x माइनस x हो गया बेटा 9x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू क्या हो गया 3 अपॉन 9, 3 वन जा 3, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/3। जो चीज हमसे पूछी जाती है ना हम उसी को x मान लेते हैं, तो हमसे क्या पूछा गया था 0.3333 इसकी वैल्यू बताओ, हमने इसको x मान लिया तो x की वैल्यू आ गई 1/3, इसका मतलब 0.33333 कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक 1/3, इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q लाइक 1/3, समझ गए? यस सर। ठीक है, अच्छा सर हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट किया है ना? हाँ ओके सर, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया गया है। ओके सर, हाँ एग्जाम्पल नंबर 8 देखिएगा, इसमें है शो दैट 1.272727 इज इक्वल टू 1.27 बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ठीक है, 1.272727, तो जो चीज बार 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 रिपीट हो रही होती है उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। ठीक है, तो 1.27 बार हो गया। तो मुझे ये शो करना है कि ये जो है इसको p अपॉन q की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, तो हम कहेंगे लेट x इज इक्वल टू 1.272727 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 1। मैंने बोला था आपको कि जो रिपीट होने वाला टर्म है वो डेसिमल के जस्ट बाद आए, एक तो ये चीज, और दूसरा कि ये देखना होता है कि कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, दो डिजिट्स, यस सर दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 27, तो यहाँ पर एक डिजिट रिपीट हो रहा था तो 1 के आगे 0 लगाया तो बन गया 10। हाँ, यहाँ पर दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो 10 से ना करके 100 से, जिसमें दो जीरो आते हो 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां मैं कहूंगा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 1.272727 डॉट 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 डॉट, अभी 100 है तो ये दो जीरो तो कट गए और ये जो पॉइंट है ये राइट में दो प्लेसेस शिफ्ट हो गया, 100x इज इक्वल टू 127.272727 डॉट 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 डॉट, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब वही काम कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 100x माइनस x इज इक्वल टू 127.272727 डॉट 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 माइनस 1.272727 100x माइनस x क्या हो गया 99x 127.272727 माइनस 1.272727 क्या हो जाएगा 126। अब 99 को नीचे ले जाओ
126 अपॉन 99, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 33 जा 3 4 जा 3 2 जा, फिर 3 से हो जाएगा 3 11 जा 3 21 जा, नहीं 3 14 जा, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 14 अपॉन 11। बताइए समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है जी, एग्जांपल नंबर 9 देखिएगा। तो ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मुझे लगता है ये बार वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे, इंपॉर्टेंट है। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना, हो सकता है कि आपके स्कूल टीचर किसी तरह से आपसे वो क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने वाले क्वेश्चन जो है उस पर इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले, मुझे लगता नहीं कि एमसीक्यू में वो चीज पूछी जाएगी। हम थोड़ा सा सोच सकते हैं ना कि उसमें क्या पूछा जाएगा, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करें, वो तो नहीं पूछा जा सकता। तो खैर चलिए, मेरे हिसाब से ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 9 देखो, एग्जांपल नंबर 9 में वो बोल रहे हैं 0.2353535 डॉट 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 0.2353535 के ऊपर बार लगा रखा है, तो ये क्या है 0.2353535 लाइक दिस डॉट डॉट लेट x is equal to 0.2353535 dot 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 dot, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या चाहता हूं यहां पर, मैं ये चाहता हूं सबसे पहले, नहीं इसको इक्वेशन नंबर 1 मत बोलो, सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि जो भी चीज रिपीट हो रही है वो डेसिमल के जस्ट बाद आए, तो वो कैसे आएगी 353535, मतलब ये 2 जो है ये पॉइंट जो है ये यहां पर शिफ्ट हो जाए, तो जो रिपीट होने वाली टर्म्स है वो डेसिमल के जस्ट बाद आ जाएंगे अपने आप। समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, तो 10x is equal to 10 into 0.2353535 dot dot dot, अब ये 10 कट जाएगा, ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 10x is equal to 2.353535 and like this, ये equation number 1 हो गई। तो equation number 1 मैं हमेशा उसी को लेता हूँ जिसमें repeat होने वाली term decimal के just बाद हो, हो गया। इसके बाद अब कितनी टर्म्स है जो रिपीट हो रही है, दो टर्म्स है जो रिपीट हो रही है, तो दोनों तरफ अब 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं बताइए? यस सर। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, तो 100 इंटू 10x इज इक्वल टू 100 इंटू 2.353535 लाइक दिस, दो जीरो कट गए, पॉइंट दो प्लेस राइट में शिफ्ट हो गया, 100x इनटू 10x क्या हो गया 1000x इज इक्वल टू 235.3535 लाइक दिस, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब बड़े आराम से आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 1000x माइनस 10x, 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 235.353535 लाइक दिस माइनस 2.353535 लाइक दिस।
तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स तो सेम है, तो क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड पर बताएं? हाँ टू बोलो, 233, थोड़ा जोर से बोला करो। 1000x माइनस 10x कितना हो जाएगा? 990x इज इक्वल टू 233, x इज इक्वल टू 233 अपॉन 990। बताइए जी सबको क्लियर है कि नहीं? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए जी इतना करिए, बाकी फिर कल करते हैं, ठीक है? गुड इवनिंग सर। चलिए जी, और बाकी बच्चों को, सभी को मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई आप लोग बस एक दो बच्चे ही ऑफलाइन आते हैं, अगर आप चाहें कंफर्टेबल हो तो ऑनलाइन आप ऑफलाइन आया करो, ठीक है? ऑनलाइन और ऑफलाइन में हमेशा एक फर्क होता ही है। चलिए जी ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर।